हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पेनिस है, लिंग है, उसका नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी क्या मेडिसिन आती है, कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, कोई जेली ऐसी आती है जिससे हम अपने पेनिस यानी के लिंग का साइज को बढ़ाया जा सकता है, या नहीं आती है, या आती है तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है, और क्या नॉर्मल साइज हमारे पेनिस का होना चाहिए, वही इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मैं हूँ आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात कर रहे थे कि हमारे जो पेनिस है, लिंग है, उसका नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए, या फिर कोई क्या ऐसी मेडिसिन, ऐसी कोई ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, ऑयल, तेल ऐसा आता है जिससे हम अपने लिंग के साइज को बढ़ा सकते हैं या नहीं, तो वही मैं इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल साइज की, पेनिस की नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो बॉयज हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में और ये पूछते हैं कि हमारा जो पेनिस है उसकी लंबाई कम है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन बताए जिससे हम अपने पेनिस की लंबाई को जो है बढ़ा सकें, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब सबसे पहले बात आती है कि ये थिंकिंग, ये सोच आती कहाँ से है, कैसे उनको पता लगता है कि हमारा जो पेनिस है, लिंग है, उसके जो साइज है वो कम है, ये कहाँ से आती है? तो ये आती है पोर्नोग्राफी से। जब वो लोग पोर्न मूवी देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे जो लंबाई है पेनिस की इतनी है और हमारी इतनी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, रियल लाइफ से जो पोर्नोग्राफी होती है वो बहुत हटके होती है, बहुत अलग होती है। नॉर्मल साइज जो होना चाहिए हमारा 4 से 5 इंच होना चाहिए। अगर किसी के पेनिस लिंग की लंबाई 4 से 5 इंच है, तनाव आने के बाद, इरेक्शन आने के बाद, तो नॉर्मल मानी जाती है 4 से 5 इंच। अगर किसी का 3.5 इंच भी है और उसमें तनाव अच्छा है तो वो नॉर्मल है। कहीं भी किसी हकीम, किसी डॉक्टर, किसी भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बॉयज़ हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है और हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि हम अपने सामने वाला जो पार्टनर है उसको अब कैसे खुश करेंगे, हमारी बीवी तो अब रहेगी नहीं, तो ऐसा वो चलता रहता है। वीडियो भी सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी बताते हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई क्रीम, कुछ भी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे सिवाय उनके जो पेनिस होता है उसको नुकसान और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उनकी जो मसल्स होती हैं पेनिस की वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसी क्रीम दवाई भी नहीं आती है मार्केट में, ना भी कोई ऐसी दवाई है जिससे आप अपने पेनिस की लंबाई को जो है बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर भी आपका बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिकते हैं, उसके नाम पे आप खाते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई जो इंक्रीज़ पेनिस नहीं होता है, फिर आप किसी अपना जो दोस्त है उससे भी ये बात शेयर नहीं कर सकते, किसी फैमिली से भी शेयर नहीं कर सकते कि हमने 5000-10000 की दवाई खाई और हमारा पेनिस का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ा। अगर आपकी 4 से 5 की साइज है, 4 से 5 इंच का साइज है आपके लिंग का, तो वो बेहतर है, बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक। बशर्ते उसमें क्या है, इरेक्शन होना चाहिए, आपका जो लिंग है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें इरेक्शन आना चाहिए, तनाव आना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन कभी भी आपको किसी भी कहीं भी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो है ठगी बैठे हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। मैं आपको इस जो वीडियो में है रियल बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बताएगा। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लिंग बढ़ाने की दवाई, लिंग का जो साइज़ है उसको बढ़ाने की दवाई, क्रीम, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, जेली है, वो कहाँ तक, किस हद तक आपको जो बेनिफिट दे सकती हैं, फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर किसी की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, नसों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं होता है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता, तनाव अच्छे से नहीं आता, तो कुछ तेल, कुछ मार्केट में दवाइयां ऐसी हैं जिससे उसको बेहतर और अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए अगर आप जैतून के तेल की मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी को लगता है कि हमारा तनाव अच्छे से नहीं आता है, तो जैतून का जो तेल होता है उससे आप मालिश करिए तो हो जाएगा। और जो आपकी डाइट है उसको अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक। किसी का अगर पेट निकला हुआ है तो उससे क्या होता है, जो लिंग का लंबापन होता है वो आपको छोटा दिखता है, मतलब छोटापन दिखता है लिंग का, तो आपका जो पेट है उसको भी मेंटेन कर रखे रखिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिट होने चाहिए, ठीक। तो इस वीडियो में जो पूरी सच्चाई थी, रियलिटी थी, वो मैंने बता दी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे जो दोस्त सोचते हैं उनमें ये वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।